फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यम्मी फूड व्लॉग। मैं आप सबके पास एक और न्यू रेसिपी लेकर आ गई हूँ। इसे कहते हैं स्प्रिंग रोल। इसे मैंने कैसे बनाया आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मेरा तो और भी ज़्यादा। आज मैं आप सबको यही शेयर करूँगी। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है मेज़रमेंट कप के 2 कप। उसमें चीनी डाल दिया है 1 टेबल स्पून और एक मैंने एग यूज़ किया है, अंडा। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। पानी को एकदम थोड़ा थोड़ा करके देंगे, थोड़ा देंगे तो थोड़ा मिक्स कर लेंगे। करते करते मेरा ऐसा पूरा बैटर रेडी हो जाएगा, देख सकते हैं गाइस। तो देख सकते हैं ये बैटर पूरा स्मूथ बन चुका है। मैं यहाँ पर उंगली भी डाल के दिखा देता हूँ तो मेरा बैटर रेडी हो चुका है। सो गाइस, तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है और यहाँ पर लिया है गाजर। देख सकते हैं पूरा क्यूब करके छोटे छोटे में काटा है। यहाँ पर शिमला मिर्च ले लिया है, इधर ऑनियन है और आलू भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिर्ची, 3 पीस मिर्ची को मैंने छोटे छोटे पीस में काट दिया है। यहाँ पर प्लेट में मैंने चिकन ले लिया है और वहाँ पर 2 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चिली पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पर 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच गरम मसाला। फिर हम लोग स्वाद के अनुसार नमक दे देंगे और अच्छी तरह से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 2 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल। देने के बाद अच्छी तरह से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। एक पैन में मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है 2 टेबल स्पून। फिर हम लोग पैन में पूरा चिकन डाल देंगे। डालने के बाद अच्छी तरह से हम लोग इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। हम लोग ढक्कन दे देंगे, कुछ देर बाद फिर से ओपन करके एक बार नाल लेंगे। सो गाइस, तो मैं चम्मच के सहारे इस चिकन को भुजिया बना रही हूँ, देख सकते हैं। हम लोग फिर से ढक्कन दे देंगे और कुछ देर बाद खोलने के बाद देख सकते हैं चिकन से थोड़ा थोड़ा पानी निकला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पानी यूज़ नहीं किया है। देख सकते हैं मैं भुजिया टाइप की बना रही हूँ मैं चिकन को। एंड मेरा चिकन रेडी हो चुका है। इसमें मैंने आलू, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च दे देंगे, देख सकते हैं। और देने के बाद अच्छी तरह से हम लोग इन सब को मिक्स कर लेंगे। गैस को लो मीडियम में रख के ही आप लोग पकाना। फिर से मैंने स्वाद के अनुसार नमक दे दिया है एंड मेरा चिकन पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं इधर। और इधर जो लास्ट में जो ऑनियन बचा था, ऑनियन लास्ट में देंगे हम। जस्ट ऑनियन को देके एक बार नारने के बाद प्लेट में डाल देंगे। थोड़ा सा हम लोग उसमें उसके ऊपर धनिया डाल देंगे सजाने के लिए, थोड़ा सा।
मिक्स करने के बाद प्लेट में हम लोग डाल देंगे। सो गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बैटर जो स्मूथ बना है पूरा रेडी हो चुका है। इसे हम लोग रेडी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको प्लेट में, एक प्लेट में इतना ही थोड़ा सा डालूँगी, और एक मैंने पैन गरम करने रखा है उसमें एक चम्मच के सहारे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। मैं जैसे जैसे ये कर रही हूँ मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइए। एक छोटे से चम्मच के सहारे से घुमा के बड़ा करेंगे एंड देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा बना है। एंड इसे हम लोग इसे तोल देंगे। मेरा रेडी हो चुका है। फिर से मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। हो गया है, मेरा रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग कैसे रेडी करेंगे दिखाएंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही पतला बना है। एक जगह पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। आप प्लेट में भी इसे कर सकते हैं, जहाँ पर करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। उसमें जो मैंने चिकन का जो भुजिया बनाया था उसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। मैं जैसे जैसे रेडी कर रही हूँ, जैसे सजा रही हूँ, आप सब भी सजाना। मैंने बैटर को एक एक्स्ट्रा प्लेट में रखा था, तो वो जो थोड़ा सा बैटर था, बैटर को हम लोग उस साइड में लगा देंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप सब भी कीजिए। तो देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, इसे बना के से रही हूँ। और ये रेडी हो गया मेरा स्प्रिंग रोल। सो गाइस, तो ये बहुत ही आसान है बनाना। स्प्रिंग रोल घर पे बैठे बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्प्रिंग रोल बनाने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डालने के बाद हम लोग इसे डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद जो स्प्रिंग रोल था उसमें मैं इसे डाल दूंगी। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। देख सकते हैं मेरा स्प्रिंग रोल रेडी हो रहा है। थोड़ा सा रेड रेड बना रही हूँ मैं। स्प्रिंग रोल हो चुका है मेरा। इसमें मैं प्लेट में रख दूँगी, पैन से उठा के प्लेट में रख दूँगी। एंड देन देख सकते हैं मेरा स्प्रिंग रोल रेडी हो चुका है। आप सब इसको सर्व कर सकते हैं। और ये तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट में बता दीजिए। और हम लोग ऐसे ही न्यू और मज़ेदार रेसिपी लेकर आप सबके पास फिर से आएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम लोग अगली वीडियो में एक और न्यू रेसिपी लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।